प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे सी पहली रैपिड रेल वी दी सौगात। 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार सुचालबा वाली ट्रेन साहिबाबाद सुदुहाई रे बीच होवेली संचालित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा जिला रा कादोली माए जनसभा ने करे संबोधित। ईआरसीपी रा मुद्दा माथे केंद्र प्रसाद निशाणो सबारे पाछे मेहंदीपुर बालाजी रा करे दर्शन। राजस्थान माए मतदाता सूची में शामिल हो बस वंचित रिया पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक जुड़िया सकेला। आपरो नाम निर्वाचन आयोग की वेबसाइट मतदाता सेवा पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप माथे कर सके है आवेदन। नवरात्रा रा छठे दिन माँ कात्यायनी री करीब की पूजा। देव मंदिर माए उमड़ी श्रद्धालुआरी भीड़। धार्मिक अनुष्ठान रो सिलसिलो जारी। अर सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ 21 से 22 अक्टूबर ने बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ और चूरू समेत आसपास रा क्षेत्र माए बारिश री संभावना। प्रदेश रा बाकी हिस्सा माए मौसम रेवलो शुष्क। नमस्कार, राजस्थानी खबर में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबर विस्तार सु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गाजियाबाद माए देश री पहली रैपिड रेल री सौगात दीनी है। प्रधानमंत्री ट्रेन ने हरी झंडी दिखा रवाना करया। साहिबाबाद सु दुहाई ताई करीब 17 किलोमीटर ट्रेक माथे या ट्रेन चाले ली। 1700 यात्री भार क्षमता सु चालबा वाली रेपी ट्रेन री गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा होवेली। इन माए महिलावा खातर एक कोच आरक्षित करो गयो है। प्रधानमंत्री मोदी रे साथे यूपी रा सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद रैपिड स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। दिल्ली गाजियाबाद मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के 17 किलोमीटर लंबे प्राथमिकता वाले जिस खंड का उद्घाटन किया गया वो गाजियाबाद गुलधर और दुहाई स्टेशनों के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी थी। आरआरटीएस एक नई रेल आधारित सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी वाली कंप्यूटर ट्रांजिट प्रणाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के साथ आरआरटीएस एक परिवर्तनकारी क्षेत्रीय विकास पहल है जिसे हर 15 मिनट में इंटरसिटी आवागमन के लिए हाई स्पीड ट्रेनें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो आवश्यकता के अनुसार हर 5 मिनट की फ्रीक्वेंसी तक जा सकती है। पीएम मोदी रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस के शुभारंभ के साथ साहिबाबाद को दुहाई डिपो से जोड़ने वाली रैपिड एक्स ट्रेन को भी पीएम ने रवाना किया। पीएम ने साहिबाबाद से दुहाई तक और फिर वापसी की यात्रा भी आरआरटीएस ट्रेन से की। इस दौरान उन्होंने स्कूली छात्रों और ट्रेन कर्मियों से बातचीत की। देश की पहली नमो भारत ट्रेन को भी आज मां कात्यायनी के आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं और ये भी बहुत विशेष है कि इस नई ट्रेन में ड्राइवर से लेकर तमाम कर्मचारी महिलाएं हैं, हमारे देश की बेटियां हैं। ये भारत की नारी शक्ति के बढ़ते कदम का प्रतीक है। नमो भारत ट्रेन में आधुनिकता भी है, गति भी है, अद्भुत स्पीड भी है। ये नमो भारत ट्रेन नए भारत के नए सफर और नए संकल्पों को परिभाषित कर रही है। इस शताब्दी का ये तीसरा दशक भारतीय रेल के कायाकल्प होने का दशक है। आप देखना दोस्तों, इस 10 साल में पूरी रेल आपको बदली हुई नजर आएगी।
और मुझे छोटे सपने देखने की आदत नहीं है और न ही मुझे मरते मरते चलने की आदत है। मैं आज की युवा पीढ़ी को विश्वास देना चाहता हूं, मैं आज की युवा पीढ़ी को गारंटी देना चाहता हूं, इस दशक के अंत तक आप भारत की ट्रेनों को दुनिया में किसी से भी पीछे नहीं पाएंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान रा दौरा माथेरी वणाठे दौसा जिला रा सिकराई रा कादोली माए पार्टी री जनसभा ने संबोधित करया। वणा कया के ईआरसीपी रो सबसू पहलो फायदो दौसा ने मिले लो। प्रियंका गांधी ईआरसीपी रा मुद्दा माथे केंद्र ने घेरिया वटे ही राज्य सरकार कामकाज री प्रशंसा करी। प्रियंका गांधी री सभा माए आसपास रा जिला सू भी कांग्रेस कार्यकर्ता पुगया, वटे ही प्रदेश कांग्रेस रा बड़ा नेता भी मौजूद रिया। सभा ने प्रियंका गांधी रे साथे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा भी संबोधित करया। सभा रे पाछे प्रियंका गांधी मेहंदीपुर बालाजी पुगी और हनुमान जी रा दर्शन करया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जयपुर विद्याधर नगर विधानसभा रा खातीपुरा मंडल री बैठक ने संबोधित करया। इन मौके मौजूद महिला पदाधिकारी सु विद्याधर नगर विधानसभा सु प्रत्याशी दिया कुमारी खातर समर्थन मांगया। हरेक क्षेत्र माए महिलावा रा आगे बढ़वा ने लेर कया के अब महिलावा आगे बढ़ गई है। चंद्रयान 3 री सफलता माए भी एक महिला रो हाथ है। तो मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था रची है और ऐसा एक अनुकूल वातावरण दिया कि वो जमाना जाता रहा हो कहीं कि महिलाओं को आगे बढ़ाओ। विधानसभा चुनाव माए मतदान खातर मतदाताओं ने प्रेरित करवा रा उद्देश्य सु बीकानेर री सगली विधानसभा क्षेत्रा सु बाइक रैलियां काढ़ी गई। रैली माए बीएलओ सुपरवाइजर शिक्षक अर न्यारा न्यारा विभागा रा कर्मचारी अरे सामाजिक संस्था वारा प्रतिनिधि हिस्सो लिया। रैली माए पारंपरिक वेशभूषा माए मिस्टर बीकाना किशोर कल्ला भी शामिल रिया। विधानसभा आम चुनाव 2023 को देखते हुए विभिन्न स्वीप गतिविधियां चल रही हैं और 25 नवंबर को होने वाले मतदान में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए, जागरूक करने के लिए आज 21 विभागों के कर्मचारियों द्वारा बाइक रैली निकाली गई है। इसमें हमने प्रोफेशनल बाइकर्स और जो पुलिस विभाग की शक्ति टीम है, महिला टीम है, उनको भी इन्वॉल्व किया है, जो अलग अलग स्लोगन के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक करेंगे कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बहुत अच्छी निकली है, इसमें 100% हमारा मतदान का जो रुख है वो तैयार किया जा रहा है। जनता में हम जागरूकता पैदा करें कि बीकानेर जिला 100% मतदान करे, इसके लिए पूरे जोर से प्रयास कर रहे हैं। स्वीप की टीम और हमारे कलेक्टर साहब के सानिधि में काम कर रहे हैं और हमारा गाँव ढांडी प्रचार हो रहा है। हम पूरा विश्वास है कि हम इस मुकाम हासिल कर लेंगे और हमारी 100% जो है वो मतदान हो जाएगा, इतना हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। 100% मतदान ही सबसे अनिवार्य है ताकि हम अपने अच्छे नेता को चुन सके, अच्छा शासन चला सके, अपनी मांगों को पूरी करवा सके। अच्छा मतदान ही सही रहेगा। 18 वर्ष से ऊपर के जितने भी भाई बंधु जो भी है वो सब अपना 100% मतदान करें। मतदान ही जरूरी है और अपने अपने हितों के लिए सबसे जरूरी मतदान है। आप मतदान करो और देश को आगे बढ़ाओ। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, बीकानेर की सबसे पहले यही की पहचान है कि 100% मतदान करो और कोई भी भूल नहीं जाए। सगलों को मतदान करना बहुत ही अनिवार्य है जिससे हमारा अच्छा कैंडिडेट हमारे सामने आ सके। और मेरा एक ही मानना है कि सब बूढ़े छोटे बड़े सगलों 18 साल से ऊपर है वो मतदान जरूर 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 करे। निर्वाचन महकमा कानी सु मतदाताओं ने जागरूक करवा खातर जयपुर माए कई आयोजन करया जा रहा है। इन्हीं श्रृंखला माए जयपुर ग्रामीण क्षेत्र माए मतदाताओं ने मतदान खातर प्रेरित करो गयो। नव मतदाता ने मतदान रो महत्व बतायो थका मतदान जरूर करवारी अपील करेगी। वोट ज्यादा से ज्यादा डालना चाहिए और मैं कई वर्ष से वोट देता हूँ। आरोप जी हमारी आज 93 वर्ष की उम्र से 95 वर्ष की, तो मैं वोट ही डालता आ रही हूँ। वोटा ने डालता बहुत दिन था। अब नई सरकार बनावा के लिए, अच्छी सरकार बनावा के लिए आपने वोट डालना चाहिए, तो सब ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालो ताकि अच्छी सरकार चुनी जावे जो सबके लिए लाभ हो। मतदान करेंगे
तो एक हमें अच्छी सरकार मिलेगी, अच्छी सरकार मिलेगी तो हमारी महिलाओं के लिए एक अच्छा विकास होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा सभी महिलाओं से यही अपील करूँगी कि वो अपना सब काम छोड़ के सबसे पहले अपना मतदान देने जाएं और एक अच्छी सरकार का चुनाव करें। मैं पहली बार वोट डालूंगा और मैं किसी के दबाव में आकर अपना वोट नहीं डालूंगा और मैं ऐसे प्रत्याशी को चुनना चाहूंगा जो युवाओं का और गांव का विकास करे। लोभ लालच में आकर नहीं देना है वोट, अच्छा आदमी चुनकर देना है वोट। 25 नवंबर को सभी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना जरूरी है। विधानसभा चुनाव ने ले निर्वाचन विभाग तैयारियां माई जुटियो है। 4 अक्टूबर ने अंतिम मतदाता सूची रो प्रकाशन हो चुक्यो है। पने मतदाता सूची माए शामिल होबा सुवंचित रिया पात्र मतदाता 27 अक्टूबर ताई नाम जुड़वा सकेला। 7 नवंबर ने पूरक सूची समेत अंतिम मतदाता सूची जारी करी जावेली। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताए के वंचित मतदाता दूसरा है ईवीएम। ईवीएम की हम लोग ने फर्स्ट लेवल चेक कर ली थी, लेकिन संभावना देखते हुए कि कुछ जगह राजस्थान में दो दो कैंडिडेट जो खड़े होते हैं 46 तक मैक्सिमम गए हैं, 46 मतलब 3 बीयू बैलेट यूनिट। इसी तरह जयपुर जैसे शहर में भी 5-6 जगह 32 कैंडिडेट 28 कैंडिडेट, तो दो बीयू की संभावना रहती है। तो हम लोग एक फर्स्ट लेवल चेक 26 से 28 हमारे बैल के इंजीनियर आ रहे हैं और मशीनों का करा रहे हैं। साथ में हम उसके जस्ट बाद फर्स्ट रैंडमाइजेशन करेंगे 2-3 तारीख में, जिसमें हम लोग ईवीएम को पॉलिटिकल पार्टी के सामने उसका अलॉटमेंट करेंगे एक विधानसभा में। इसके पश्चात हम लोग का जो वोटर लिस्ट जब बन जाएगी और विड्रॉल होगा तब हम लोग बैलेट छपवाएंगे, वो भी 14-21-22 तक पूरी करेंगे दो राउंड में, क्योंकि मतदाता को दूसरा अटेम्प्ट भी अलाउड है। तो इस तरह से जो होम वोटिंग होनी है या हमारे ईवीएम की सीलिंग होनी है, सेकंड पोलिंग की ट्रेनिंग भी 14-19 के दौरान होगी। राजस्थान विधानसभा खातर 25 नवंबर ने होबा वाला चुनाव माए मतदान प्रतिशत बढ़ावा खातर सगला स्तर माथे प्रयास करियो जा रियो है। नागौर जिला माए स्थानीय प्रशासन भी नुआ मतदाताओं ने मतदान सू जुड़वा खातर कमर कसली है। आने वाले 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर नागौर जिले के नव मतदाताओं में खास उत्साह देखने को मिल रहा है। मतदाताओं में इस बात की खुशी है कि वो पहली बार ईवीएम का प्रयोग कर अपना विधायक और सरकार चुनने में अपनी भागीदारी निभाएंगे। स्वीप के कार्यक्रम से हमें ये बताया गया कि ये तरीका होता है। पहले हमें बहुत कंफ्यूजन था क्योंकि न्यू हम है ना वोट देने वाले है, यानी हमें इनके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। यानी आज हम किनके बारे में पता है, अब आगे से हमें कंफ्यूजन नहीं होगा किसी के बारे में। लोग हमें कैसे क्या करवाते थे तो हमें पता नहीं रहता था इसके बारे में। बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा हूँ, मैंने आज स्वीप के बारे में बहुत सारी जानकारी ली है। मैं अपनी सरकार खुद चुनूंगी और वोट हमारा अधिकार है, इस वोट को ना करें बेकार, सभी को वोट देना है। नव मतदाताओं को जागरूक करने और शत प्रतिशत मतदान लक्ष्य को हासिल करने के मकसद से निर्वाचन आयोग द्वारा चलाया जा रहा स्वीप कार्यक्रम जागरूकता के साथ मतदान संदेश भी दे रहा है। स्वीप कार्यक्रम के जरिए नव मतदाताओं को ईवीएम वीवीपीएटी से मतदान करने की प्रक्रिया बताई जा रही है। उन्हें अपने घर वालों और आसपास के लोगों को भी मतदान करने के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए स्वीप कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी प्रेरित कर रहे हैं। प्रथम बार वोटिंग करने वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स का कार्यक्रम आयोजित किया। इस प्रकार के कार्यक्रम सभी वर्गों के साथ आयोजित किए जा रहे हैं और आज यह कार्यक्रम न्यू वोटर्स के साथ आयोजित किया गया है। उम्मीद है इस कार्यक्रम से न्यू वोटर्स प्रेरित होंगे और समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरित करेंगे ताकि आने वाले चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ सके। नव मतदाताओं को संदेश दिया गया कि वे जागरूक होकर मतदान करें, जागरूक और साथ साथ सावधानी के साथ, ऐसा ना हो कि कोई मत देने से वंचित रह जाए, क्योंकि आपका मत अमूल्य है। नव मतदाताओं को मतदान करने की शपथ दिलाने के साथ चुनाव जागरूकता रैली, रंगोली, पोस्टर निर्माण, निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन कर भी मतदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी के साथ इस बार के चुनाव में निर्वाचन आयोग के नवाचार वोट फ्रॉम होम की भी जानकारी देकर अपने आसपास के 80 साल से ऊपर के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं का ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण कराने के लिए भी आह्वान किया जा रहा है।
भारत सरकार के द्वारा बिहार काबरा में कुछ कार्यक्रम किया गया जिसका नाम स्वीप था। उस कार्यक्रम के द्वारा हमें ये बताया गया कि जो वोट देना वो क्यों आवश्यक है, क्योंकि वो सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। जो 25 नवंबर को जो चुनाव होने जा रहे हैं, मैं एक नव मतदाता हूँ और है ना, हमारे परिवार के, मोहल्ले के और जितने गांव में है सबको मतदान के लिए प्रेरित करना है। हमारी कॉलेज में मतदाता जागरूकता अभियान स्वीप के तहत हमें वोटिंग की महत्वता बताई गई है। मैं पहली बार वोट करने जाऊंगी और मैं खुद वोट दूंगी, अपने आसपास वालों को भी वोट देने के लिए प्रेरित करूंगी, मैं अपनी सरकार स्वयं बनाऊंगी। नव मतदाताओं को स्वीप कार्यक्रम के जरिए बिना किसी भेदभाव, जाति, वर्ग और प्रलोभन के सच्चे, अच्छे और ईमानदार उम्मीदवार को चुनने और लोकतंत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। इस चुनाव रूपी महापर्व में अपनी भागीदारी निभाने के लिए नव मतदाताओं का जोश देखते ही बन रहा है। विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर निर्वाचन विभाग रा निर्देश माथे प्रदेश माए कई एनफोर्समेंट एजेंसी अवैध सामग्री जब्त करवा रा मामला माए नित नया रिकॉर्ड बना रही है। आदर्श आचार संहिता लागू हो बारी 10 दिन रे माए एनफोर्समेंट एजेंसियां 143 करोड़ रुपया सुबत्ता मूल्य री अवैध शराब, नकदी और दूजी सामग्री जब्त करन नुओ रिकॉर्ड कायम करियो है, जबकि 2018 रा विधानसभा आम चुनाव माए पूरी आचार संहिता रे दौरान यानी 65 दिन माए 70 करोड़ री अवैध सामग्री जब्त करेगी ही। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि प्रदेश माए न्यारी न्यारी एजेंसियां कानी सू जारी रिपोर्ट माए या जानकारी दी गई है। नवरात्रा रा छठा दिन माँ कात्यायनी री पूजा अर्चना करेगी। शहर रा देवी मंदिरा माए दिन भर श्रद्धालुआ री भीड़ री। हर रोज इन मंदिरा माए भजन संध्या समेत कई धार्मिक अनुष्ठान कराया जा रहा है। रोज प्रात माता रोज श्रृंगार करो जावे है। देवी मंदिरा ने नवरात्रा री चालता लाइट अर पुष्पा सु सजायो गयो है। देश भर माए शारदीय नवरात्रा महोत्सव हर्षोल्लास रे साथे मनायो जा रियो है। इनी कड़ी माए जयपुर रा बंगाली समाज कानी सु भी दुर्गाबाड़ी माए देवी पूजा खातर विशेष पांडाल रो निर्माण करयो गयो है। पंडित राम मोहन राय बताए के आज छठ री पूजा करेगी। अठे आबाला बंगाली परिवार सु जुड़ी श्रेष्ठा सरकार बताया के जयपुर माए 67 वर्षा सु हर साल यह आयोजन करो जा रियो है। सुबह हम लोग षष्ठी माता का पूजा करते हैं, गणेश पंचदेवता का भी पूजा होता है, उसके बाद में षष्ठी माता का, दुर्गा माता का पूजा होता है। षष्ठी में हमारी जो दुर्गा पूजा है वो शुरू होता है, शाम को फिर बोधन आमंत्रण अधिवास आरती वो होगा और माता जी का थोड़ा सा अधिवास होगा। आज जो महाषष्ठी है इस दिन यही पूजा होता है। ये जो हम पूजा दुर्गा पूजा मनाते हैं ये क्या, बेटी चार दिन के लिए पिया रहती है, चार दिन के बाद फिर चले जाएंगे ससुराल, तो वो जो चार दिन का पियर में आती है वो उसका जो एक खुशी लोगों की घरों में, सबके घरों में, अगर कोई बेटी ससुराल से आती है तो घर में होती है खुशी। ये इधर जगन माता है तो जगत में खुशी होता है, सभी का खुशी होता है। डेली जो है वो पूजा स्टार्ट होगा, सुबह आरती होती है, शाम को आरती होगा, फिर उसके बाद में कल्चरल प्रोग्राम होता है और जो लास्ट जो दशहरा होता है दशमी के दिन विसर्जन से पहले हम लोग भगवान का वरण करते हैं, तो सिंदूर खेला होता है, सब जितने भी सुहागने होती है वो सिंदूर लगाती है एक दूसरे को, माता को लगाती है और ऐसे ये चार दिन का पूरा प्रोग्राम होता है। ये सबसे पुरानी पूजा है जयपुर में और 1956 से ये पूजा स्टार्ट हुई थी एंड दिस इज द 67 ईयर्स ये कंटिन्यू कर रहा है। और यहाँ पे जो सबसे मीन्स इम्पॉर्टेंट जो है, बंगाल से कारीगर आते हैं, बंगाल से कारीगर आके गंगा मिट्टी जो होते हैं ना उन्हीं से माँ दुर्गा की मूर्त बनती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये है जो इस बार जो मूर्त जो बनी है ये बंगाल के एकदम ज़मींदार लोगों के जैसे एक्ट चला हम लोग बोलते हैं बंगाली में, वैसे ही बनाया हुआ है, एकदम बिल्कुल हट के बनाया है इस बार। और यहाँ पे जो आयोजित किया गया है कि बाहर से जितने भी दर्शनार्थी एकदम अपने मन से आके देवी माँ के पूजा कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। शेखावाटी अचल रा सबसे ऊंचा रावण रा पुतला रो दहन सिक्कर माए होवेलो। 12 कारीगर पिछला 15 दिना सुइन पुतला ने तैयार करबा माए जुटिया है।
इनरे अलावा रामलीला ने लेर भी अठे रा लोग उत्साहित नजर आ रहा है क्योंकि अठे या परंपरा वर्षा पुरानी है। देखा सिक्कर सु सुनील पार मुवाल री एक रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। रावण के इस पुतले को तैयार करने में पिछले 15 दिनों से 12 कारीगर रात दिन लगे हुए हैं। सांस्कृतिक मंडल के संयुक्त मंत्री जानकी प्रसाद इंदौरिया बताते हैं कि यह पुतला 45 फीट ऊंचा होगा। रावण के इस पुतले को खंडेला से आए कारीगर आकार दे रहे हैं। लकड़ी का ढांचा लगभग तैयार हो चुका है, अब इस पर कलर करना बाकी है। इसके बाद लकड़ी के ढांचे में घास फूस भरा जाएगा, लाइटें लगाई जाएंगी। इंदौरिया बताते हैं कि सीकर में सबसे पहला रावण का पुतला कपड़े का बनाया गया था, जो कि बिरदी चंद वेदी ने करीब 12 फीट का बनाया था। वहीं भगवान राम की शोभा यात्रा के लिए राव राजा कल्याण सिंह ने अपनी सजी धजी बग्घियां संचालकों को दी थी, जिसमें बैठकर राम ने रावण को मारने के लिए प्रस्थान किया था। इस बार भी रामलीला में बने राम बग्घी पर बैठकर ही रावण का वध करेंगे। सांस्कृतिक मंडल यहाँ की सनातन संस्कृति और जो रामायण है उससे जोड़े रखने के लिए जनता जनार्दन इससे जुड़ी रहे, कार्यक्रम का लाभ उठाए, इसी को लेकर इस आयोजन को पिछले 71 वर्षों से करता आ रहा है। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी हम रंगमंच की कला को जीवित रखने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं और हमारे 125 के लगभग कलाकारों का जो समूह है वो पूरी मेहनत करता है एक महीने तक और यह प्रस्तुति देता है। वही रावण का पुतला बनाने में जुटे कलाकार नरेश रावण के पुतले की खासियत और इस आयोजन को लेकर की जाने वाली तैयारियों के बारे में बताते हैं। इसे लेकर पूरी टीम उत्साहित रहती है और कड़ी मेहनत से रावण का पुतला तैयार करती है। 7 से 8 आदमी हम काम करते हैं दिन रात दोनों टाइम, मतलब और पिछले मतलब 17-18 सालों से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस बार रावण मतलब 45 फुट के लगभग बनेगा और मतलब पिछले साल से एक आधा फुट का फर्क रहेगा इसमें। लाइट के लिए जैसे LED लाइट आती है बाजार में मार्केट में, वो भी लगाई जाएगी इसमें डेकोरेशन के दौरान। मतलब अभी 2 दिन बाद में जब मैदान मिले जाएंगे उसके 1 दिन पहले डेकोरेशन का काम किया जाएगा इसमें। इतिहास पर नजर डालें तो सीकर में रामलीला की शुरुआत माझी साहब के कुएं के पास बने चबूतरे से हुई थी। इसी चबूतरे पर रामलीला का मंच सजता था। उस दौर में रामलीला के मंचन के लिए कई अलग अलग स्थान निर्धारित थे। राम जन्म से लेकर लंका चढ़ाई तक की रामलीला का मंचन अलग अलग स्थानों पर होता था। भरत मिला घंटाघर के पास स्थित संघ के पूर्व कार्यालय पर होता था। राम का राज्याभिषेक गोपीनाथ मंदिर की छत पर किया जाता था। वहीं रावण दहन मौजूदा रामलीला मैदान में ही किया जाता था। DD राजस्थान के लिए सीकर से सुनील पारमोबाल की रिपोर्ट। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर एक कमजोर पश्चिम विक्षोभ रा असर सु राजस्थान रा कुछ क्षेत्र माए बारिश री संभावना जताई है। मौसम विभाग रे मुजब 21-22 अक्टूबर ने बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ अरे चूरू समेत आसपास रा क्षेत्र माए बारिश री संभावना है। प्रदेश रा बाकी हिस्सा माए फिलहाल मौसम शुष्क रे वेलो। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश री पहली रैपिड रेल दी सौगात 160 किलोमीटर प्रति घंटा री रफ्तार सु चालबा वाली ट्रेन साहिबाबाद सु दुहाई रे बीच होवेली संचालित। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दौसा जिला रा कादोली माए जनसभा ने करया संबोधित। ERCP रा मुद्दा माथे केंद्र पर साधु निशानो, सबारे पाछे मेहंदीपुर बालाजी रा करया दर्शन। राजस्थान माए मतदाता सूची में शामिल हो बस वंचित रिया पात्र मतदाता 27 अक्टूबर तक जुड़वा सकेला। आपरो नाम निर्वाचन आयोग री वेबसाइट मतदाता सेवा पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन ऐप माथे कर सके है आवेदन। नवरात्रा छठे दिन मां कात्यायनी री करीब घी पूजा, देवी मंदिरा माए उमड़ी श्रद्धालुआ री भीड़, धार्मिक अनुष्ठान और सिलसिलो जारी।
सक्रिय हुए पश्चिमी विक्षोभ 21-22 अक्टूबर ने बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू समेत आसपास रा क्षेत्र में बारिश री संभावना प्रदेश रा बाकी समय मौसम रेविलो शुष्क। राजस्थानी खबर में अत्रोही नमस्कार।